हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आए हैं एम्स, क्योंकि एम्स में पल्स लगा है और पल्स में इस बार आ रहे रफ्तार और यो हानी सिंह, जो इसका फेवरेट है। और अभी हम क्या ही बताएं, अभी हमें पता नहीं है हमारी एंट्री अभी होगी या नहीं, क्योंकि मतलब उसी की एंट्री है जो डॉक्टर है या फिर जो डॉक्टर के रिश्तेदार वगैरह उन्हीं की एंट्री हो रही है। बट हमारे पापा की भी जान पहचान है, है ना, थोड़ी बहुत जान पहचान है, तो शायद 50-50 है कि एंट्री हो भी सकता है। और अभी हम बैठे हैं एटीएम के अंदर, हमें पापा के फ्रेंड ने एटीएम के अंदर बैठाया है और अभी 7 बजे एंट्री होगी। अभी हमारा पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं यार, बट जाने का मन कर रहा है क्योंकि रफ्तार और यो हनी सिंह को कौन नहीं देखना चाहता। सो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस फाइनली हमारी एंट्री हो गई है और अभी यहाँ पे गाने बज रहे थे इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी। और यहाँ पे अभी तो भीड़ नहीं है, बट शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि यो हनी सिंह और रफ्तार आ रहे हैं, उनको देखने के लिए। तो बाहर लड़ाई भी हो रही थी ना, हमने बाहर लड़ाई भी देखी थी। और वहाँ पे गेम्स खेलते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वगैरह, मतलब बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। और अभी यहाँ पे भीड़ कम है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कमी एंट्री हुई है, अभी धीरे धीरे भीड़ आएगी। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, हमें एक गार्ड अंकल ने बताया था, क्योंकि रफ्तार और यो हनी सिंह आ रहे तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स होगी। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी गाना बज रहा है बहुत तेज़ तेज़ साउंड में, तो कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा इसीलिए। How many South Londoners in the house? All right. How many are not South Londoner? नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहा, वो I'm sure hard होगा, but दिल से बोल रहा हूँ भाई, असली लौंडे। All right. South Londoner हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछो क्यों? South Londoner हो ना हो, लौंडे का सख्त होना चाहिए। जिगरा अगेन, गंदी सोच वालों आथू। ऑलराइट, और सूखा नशा किसी। ऑलराइट, सो पर्स के लिए, पर्स 22 के लिए एक शायरी है। ऑलराइट, मुझ पे या हम पे, यू कैन से हम पे दोष लगते हैं तो दोष लगने दो, हम पे दोष लगते हैं तो दोष लगने दो, हम अभी पर्स 22 हैं, हमें मदहोश रहने दो, हमें मदहोश रहने दो। दोस्तों मैं बैक स्टेज हूं, अगर शोर नहीं बचाओगे तो मैं आऊंगा नहीं। इसे शोर नहीं बोलते डॉक्टरों। अबे मेरे डॉक्टर बहन भाइयों, शोर इसे नहीं बोलते, Yeah.
दारू पिए नहीं पिए तुम सबने? मैंने आजकल दारू छोड़ दिया, बॉडी तो देखो मेरी बॉडी बना रहा। मैं यहाँ पे पूरी रात मजे करने आया हूँ, तो ये साउंड कंट्रोल से प्लीज हट जाइए आप, सिक्योरिटी उनके बोल दो प्लीज। और मैं दिल्ली से हूँ दोस्तों, बस दिल्ली करमपुरा, लेकिन आपकी प्यार की वजह से पूरा वर्ल्ड घूमा मैंने। लेकिन जो दिल्ली की लड़की है उनका भी जवाब है, थोड़ी सी हाइस बढ़ाना यार, थोड़ा सा लोस कट करना, थोड़ी सी हाइस। तो 10 साल पहले एक गाना लिखा था हिंदुस्तानी लड़कियों के ऊपर, कुछ हुआ था आज।
और मतलब एक ही घंटे के लिए यो-यो हनी सिंह आया था, आप एक ही घंटा मान सकते हो। और रफ्तार तो आया नहीं था, सॉरी हमें मिस्टेक हो गई। और मतलब यार क्या हुआ, बैरिकेड वगैरह सब तोड़ दिए, कुछ लड़कियां तो बेहोश भी हो गए और लड़की भी बेहोश हो गए। मैं गिर गई थी बट मुझे मेरे भाई ने फिर उठाया। तू भी थोड़ा बता यार, मतलब हनी सिंह आया और अचानक से ही चला गया है। हमें आते आते पहले बोला कि मैं पूरी रात रहूंगा, लेकिन बैरिकेड्स वगैरह सबने तोड़ दिए थे सब कुछ। अंजलि अगर वो आधा घंटा और रहता ना, सच बता टूट जाता, स्टेज वगैरह सब टूट जाता। मतलब यार आज जो हमने देखा वो हमने कभी नहीं देखा, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा। और हनी सिंह के साथ होमी दिल्ली वाला भी आया था, और एक और कोई सिंगर था उसका नाम मुझे पता नहीं। हाँ वीडियो में देख लेना आप समझ जाओगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब पता नहीं हम नेक्स्ट टाइम पल्स डे में जाएंगे या नहीं, ये तो हमारा फर्स्ट डे था पल्स का। लेकिन देखो पास ही रहा, कितने रुपए का है, बहुत महंगा है। इग्नोर है, चलो सो बाय।